हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 21 सितंबर 2022 पितृ एकादशी शुभ मुहूर्त, पितरों की मुक्ति के लिए आज जरूर करेंगे एक काम। शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। पितृ या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व कहीं अधिक होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करना शुभ होता है। आज हम आपको साल 2022 अश्विन मास की इंदिरा एकादशी व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने वाले विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। इंदिरा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर रात्रि 9:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर रात्रि 11:34 पर। पारण का समय होगा 22 सितंबर सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक। इंदिरा या पितृ एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर विष्णु प्रतिमा या तस्वीर पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब उन्हें धूप दीप, पुष्प रोली, अक्षत और तुलसी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। भगवान की पूजा के बाद पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इंदिरा एकादशी नियम। अगर आप इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, इसीलिए दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के नियम 3 दिन चलते हैं, ऐसे में इस दिन से लेकर द्वादशी तक सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और घर में तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। व्रत के दिन बाल, नाखून व दाढ़ी मूंछ भी नहीं कटवाने चाहिए। पितृ एकादशी उपाय। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी श्राद्ध पक्ष में आने के कारण काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद पितरों के निमित्त कुछ न कुछ उपाय करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से विशेष कार्य करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष दूर करने का ये उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक लगाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के समक्ष भगवत गीता का पाठ करना शुभ होता है। पितृ एकादशी के दिन भोजन, गौ और स्वर्ण दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए पितृ एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।